माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के उपर्युक्त सिद्धांतों को मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल वाले मामले में दोहराया गया था। इस न्यायालय ने अंजना किशोर बनाम पुनीत कुमार वाले मामले में याचिका स्थानांतरण करने को अनुज्ञात करते हुए संबंधित न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह अधिनियम की धारा 13 के अधीन 6 मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कानूनी अपेक्षा की उपेक्षा करते हुए आपसी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद के मामले को विनिश्चित करें। इस न्यायालय ने अनिल कुमार जैन वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया कि कानूनी उपेक्षाओं को व्यक्त करने का आदेश केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। उक्त शक्ति किसी अन्य न्यायालय में निहित नहीं है, तथापि हमने इस न्यायालय को ऐसे अन्य कई निर्णयों की भी अपेक्षा की है कि जिनमें इस आशय का प्रतिकूल मत व्यक्त किया गया है कि यदि विवाह विच्छेद की मंजूरी के लिए विधिक आधार मौजूद नहीं है तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करना विधान बनाने के बराबर होगा और इस प्रकार विधानमंडल की शक्तियों का अतिक्रमण विधि में अनुज्ञेय नहीं है। सामान्यतः कोई न्यायालय विधि के प्रतिकूल कोई निर्देश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है और ना ही न्यायालय किसी प्राधिकारी को कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण में कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकता है। न्यायालय विधि के नियम को प्रवृत्त करने के लिए अभिप्रेत हैं, ना कि ऐसे आदेश और निर्देश पारित करने के लिए जो विधि द्वारा विहित उपबंधों के प्रतिकूल हैं। वर्तमान मामले में याचिकाओं द्वारा लिया गया आधार यह है कि उनका विवाह अशुधार्य रूप से खंडित हो गया है और पक्षकार एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं और वे फरवरी 2016 से पृथक पृथक रह रहे हैं और दोनों पक्षकार इस बात के लिए परस्पर सहमत हैं कि उनका विवाह विघटित कर दिया जाए और 6 मास की अवधि को व्यक्त कर दिया जाए। ऊपर उद्धत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त 6 मास की अतिरिक्त कानूनी अवधि में कटौती करने और आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री मंजूर करने की शक्ति इस न्यायालय सहित
अन्य किसी न्यायालय को उपबंध नहीं है। ऐसे शक्ति का प्रयोग न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन किया जा सकता है, तदनुसार विधि को दृष्टिगत करते हुए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन और मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल वाले मामले में अधिकथित किया गया है। स्टॉप।